हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टेप एड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। एक और फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आ जाऊँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में लखनऊ खंडपीठ से। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आप सभी के लिए है, सुनवाई शुरू हो चुकी है। सबसे पहले मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, जो कहा था दोस्तों वही हुआ है। मैंने आप सभी को सुबह की वीडियो के अंदर ही बताया था कि लगभग दोस्तों 12 बजे आप सभी की सुनवाई शुरू हो जाएगी। काफ़ी लोगों को संशय भी था कि 12 बजे सुनवाई कभी शुरू नहीं होगी, क्योंकि आज तक कभी केस पहले नहीं सुना गया। तो आज दोस्तों आप सभी के सामने 12:19 पर दोस्तों केस की सुनवाई शुरू होगी। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, या फिर पल पल की अपडेट अगर चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर ही विजिट कर सकते हैं, onlineaddaforstudy.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आप सभी को दोस्तों इसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों लखनऊ खंडपीठ में कट ऑफ मुद्दे पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताया गया था, पहले 15 मिनट पक्ष रखेंगे दोस्तों अनिल तिवारी जी। मैं आप सभी को दोस्तों बताना चाहूंगा, अनिल तिवारी जी की तरफ से दोस्तों लगातार बहस शुरू कर दी गई है। सबसे पहले दोस्तों उनकी तरफ से मुद्दा उठाया गया, वो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर। जैसा कि कल दोस्तों उनकी 15 मिनट की बहस में उन्होंने एमसीडी ऑर्डर पर दोस्तों बहस की थी, आज उन सभी ऑर्डरों पर दोस्तों एक बार फिर से जज साहब की सामने दोस्तों जो है डिटेल में सारी की सारी चीज़ें समझाई। उसके बाद दोस्तों उन्होंने अगला जजमेंट उठाया है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है नरेंद्र एस दोस्तों जो है, जो कि बसेज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ दोस्तों ये ऑर्डर था, उसको लेकर दोस्तों अनिल तिवारी जी की तरफ से आज तीसरा सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण ऑर्डर लगाया गया है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को था, सबसे पहले आप सभी को अपडेट प्रोवाइड कर दी गई, सुबह मैंने आप सभी को बता दिया था। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर आप सभी करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि पल पल की अपडेट सिर्फ और सिर्फ आप सभी को यहीं पर मिलेगी। साथ में दोस्तों आप सभी को यहां पर बताता चलूं, उपेंद्र मिश्रा जी भी दोस्तों कोर्टरूम के अंदर बैठे हुए हैं, सीनियर एडवोकेट दोस्तों, उनको भी आज बहस करने का मौका दिया जाएगा। कल भी दोस्तों उनके लिए बोला गया था। तो साथ में फिलहाल दोस्तों अनिल तिवारी जी बहस कर रहे हैं, 3 ऑर्डरों पे दोस्तों लगातार बहस कर चुके हैं। आज उन्होंने एक और दोस्तों नया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सबमिट किया है, जो कि है दोस्तों नरेंद्र वर्सेज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। वहीं अगर बात करूं दोस्तों जज साहब को लेकर, जज साहब ने दोस्तों साफ साफ यहां पे फिर से टिप्पणी की है, सभी के लिए कोई भी रिपीट आर्गूमेंट यहां पे नहीं करेगा। किसी तरह का अगर कोई रिपीट आर्गूमेंट करता है, यो जो भी किसी सीनियर वकील ने पहले कर चुका है, तो दोस्तों वो इस तरह का कोई भी जो आर्गूमेंट है वो नहीं किया जाएगा। और उन्हीं आर्गूमेंट को दोस्तों यहाँ पे सुनने के लिए जज साहब की तरफ से साफ साफ बोल दिया गया है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, अनिल तिवारी सर ने दोस्तों यहाँ पे समझाया कि जो ATI पास करेगा दोस्तों वही जो है भर्ती के लिए यहाँ पे घोषित किया जाएगा, उसी का दोस्तों यहाँ पे परिणाम आएगा। यहाँ पे दोस्तों बताया जो विज्ञापन में 23 अमेंडमेंट है दोस्तों, संशोधन को लेकर भी अनिल तिवारी जी की तरफ से लगातार बहस जारी है। तो सबसे बड़ी चीज तो ये दोस्तों, आज आप सभी को जैसा मैंने बताया था कि जल्दी दोस्तों सुनवाई शुरू होगी, और जल्दी शुरू होगी तो दोस्तों ज्यादा समय मिलेगा, सुनवाई शुरू हो चुकी है। अगली अपडेट दोस्तों बहुत जल्द मैं आप सभी के बीच आऊंगा, जहां पर दोस्तों और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलेगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में दोस्तों वेबसाइट पर विजिट करते रहें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो दोस्तों जो है जो भी अपडेट होगी आप सभी को मिलती जाएगी। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक दोस्तों अगली अपडेट का आप सभी वेट करें। धन्यवाद।